क्या आपने कभी सोचा है कि रोड पर गड्ढों की समस्या का समाधान कोई झंडू बाम से निकाल सकता है? नहीं ना। खैर, आज हम आपको एक ऐसे मजेदार आंदोलन के बारे में बताएंगे जिससे ना सिर्फ सड़क पर गड्ढों से मिलने वाले झटकों का दर्द दूर होगा बल्कि हंसी रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की है। यहाँ एक लोनी नाम का गाँव है जहाँ सड़क पर दूर दूर तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। बस इसी बात से परेशान गांव वालों ने शुरू किया झंडू बाम का अनोखा आंदोलन। अब गड्ढों की समस्या का हल निकालने के बजाय यहां लोगों ने सोचा कि क्यों ना दर्द को ही कम किया जाए। इन गड्ढों में जाने से लोगों को झटके महसूस करने पड़ते हैं और दर्द झेलना पड़ता है। इसी को देखते हुए गाँव वालों ने झंडू बाम बांटने का फैसला किया। लोकल 18 ने स्थानीय लोगों से बात की। गांव के रहने वाले हेमंत पाटिल का कहना है कि वो पिछले 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आप ये गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे हमें शर्म आती है कि हमें बोलना पड़ रहा है कि ये सड़क हमारे गांव से गुजरती है। बार बार आवेदन करने के बाद, निवेदन करने के बाद, शासन प्रशासन नेताओं को बोलने के बाद ये सड़क का काम नहीं हो रहा है। हमने इससे पहले गुलाब आंदोलन किया, हमें आश्वासन मिला। अब हमने ये झंडू बाम आंदोलन किया है और इस मांग की है शासन प्रशासन से कि इस रोड का काम करे। और मैं आपको बता दूं, ये न कोई राजनीति का विषय है, न कांग्रेस भाजपा का विषय है, ये पूरे गांव का। और इस सड़क से सब लोग जाते हैं, सब लोगों के, सब बच्चों के, सब महिलाओं के, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का और जान का विषय है। आज कितने रुपए का होता है? आज हमने 2-3 हजार रुपए की टिकिया लाई और सांकेतिक रूप से बांटी है। आगे भी हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। सड़क पर बने गड्ढों से परेशान होकर गांधीगिरी भी कर चुके हैं लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना झंडू बाम से लोगों का दर्द दूर किया जाए। इसके लिए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और झंडू बाम खरीदा। कुल 3,000 रुपए इकट्ठे हुए और फिर सड़कों पर झंडू बाम बांटने शुरू कर दी। अब भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गाँव वाले गड्ढों में बैठकर आंदोलन करेंगे। भाई, अब तो लग रहा है अगर गड्ढों में बैठकर भी धरना देने की योजना फेल हो गई, तो ये लोग चक्का जाम करने में भी देरी नहीं करने वाले। यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया, आइए आपको ये भी दिखा देते हैं। के लोगों ने आपको झंडू बाम के लिए बांटा है? रास्ते के लिए। क्या हो गया रास्ते में? बहुत खड्डे है। अब क्या चाहते हो आप? अच्छा रास्ता होना। रावण से आ रहे, इतनी बड़े रावण से आ रहे, रावण से पूरे गड्ढे हो गए, परेशानी है, ज्यादा भी परेशानी मत करो ना। खैर, अगर आपके आसपास भी सड़क पर गड्ढे हैं और आप परेशान हैं तो झंडू बाम से अपना बैग भर लें। वैसे ये हाल तो देश के कई हिस्सों का है, हो सकता है इस मॉनसून में आपको भी इस तरह के आंदोलन का हिस्सा बनना पड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें लोकल 18।